हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सिस्फुल किचन। आज हम मिर्ची का अचार बनाएंगे, हरी मिर्ची का, और वो भी अपनी फ्रेश तोड़ने के बाद। तो मैं आपको ये दिखाऊं, देखिए कितनी बढ़िया ये मिर्ची हैं, और इनका जब अचार बनेगा ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये अच्छे से पक गई हैं, तो आज हम आपको एक यम्मी सा अचार बनाने वाले हैं। ढेर सारी मिर्ची अपने आप लगाया हो ना तो बहुत ही मजा आता है। ये देखिए काफी सारी लगी हुई है, एक एक बेल, एक एक उस पर कितनी लगी है ब्रांच पर। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं, ये वाले पौधे में भी लगी हुई है। ये देखिए तो इनको तोड़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हमने टोटल मिर्ची ये ली हैं और इनको धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे। इनका यहाँ पीछे से ये डंठल ना इस तरह से निकाल देंगे, इससे क्या नहीं तो मिर्ची का अचार खराब हो जाता जल्दी। और इसको बीच में से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो इससे क्या मसाला जो है ना वो मिर्ची में चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए सारी मिर्ची हमने काट के ऐसे कर ली है, और ये 125 ग्राम के करीब मिर्च है। जब आप काटें ना तो जरूर ध्यान रखें, या तो तेल का हाथ लगा के काटें कैंची से, क्योंकि इतना सीधा नहीं कट पाएगा, तो इसलिए आप तेल का हाथ लगा के और साबुन से हाथ धो लें। क्योंकि और एक और टिप है इसके लिए कि आप बाद में उन्हीं हाथों से ना आटा लगा सकते हैं, तो भी फिर मिर्च कम लगेगी। ये 2 चम्मच हमने सौंफ को दरदरा कूट लिया है, 2 चम्मच ही हमने राई को भी दरदरा कूट लिया है, 2 पिंच मैंने हींग लिया है, ये देखिए ये हींग है, और ये नमक लिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच काला नमक लिया है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है। तो सारे मसाले ये हम मिक्स करके ना इसमें डाल देंगे। पहले सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत झटपट बनने वाला अचार है, बहुत ही यम्मी लगता है, जरूर बनाकर देखिएगा। ऐसे हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। ये चटपटा अचार बनता है। कुछ नहीं करना है, कोई गैस नहीं जलानी है, बस सीधे से मिर्ची काटनी है और मसाले डालना है। ये हमने 1 चम्मच ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी मिर्ची। और यहां मैं आपको बताऊं, अचार आपका ज्यादा दिन तक चले उसके लिए स्पेशल आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, कि बिल्कुल भी जिस बाउल में आप रख रहे हैं, जिस चम्मच को आप यूज कर रहे हैं, कहीं भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है ना वो अचार को खराब करता है। जब भी आप अचार बॉट में से निकालें, जार में से निकालें, वो हमेशा आपका साफ होना चाहिए चम्मच। तो ये देखिए 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर, इससे भी थोड़ा थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है और प्रिजर्व भी ये करता है। और बहुत ही कम मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल, सरसों का कच्चा तेल, तो मैं यहाँ इसमें 1 ही चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अचार बना रही हूँ, ज्यादा मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रही हूँ, और इस तरह से भी अचार बहुत अच्छे से रुक जाता है। इसको करेंगे मिक्स। अब आप देखिए इस तरह से कि मिर्च ना बहुत अच्छे से कोट हो गई हैं। कहीं आपको ऑयल दिख रहा है इसमें, बिल्कुल नीचे कहीं ऑयल दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा सूखा सूखा अचार ना ये बहुत अच्छा बनता है, उतना ही बनाइए खाइए। और वैसे ही बहुत समय तक टिकता है, काफी समय तक ये चल जाता है अगर आप पानी लगने का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे मिक्स करने के बाद, इसको बीच में से ऐसे काटने के बाद क्या है कि सारी मिर्चें ना अच्छे से कोट हो जाती हैं। तो देखिए मैं इसको सर्व करती हूँ, और किसी भी कांच वाले जार में आप इसको भर के रखिएगा। 2 मिनट आप ऐसे ही ढक के रख दें और फिर कांच वाले जार में आप इसको भर के रखिए। आप ये अचार डालिए, थोड़े से शुरुआत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी चीज बनाइए ताकि जल्दी बने और आपको उसका टेस्ट पता चले। एंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।